नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं, ये शनि देव को लेकर के है बातचीत, और ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये शनि महाराज से संबंधित है ये आज का प्रोग्राम। और आप ये भी जानना के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर शनि देव को लेकर के ऐसी क्या बात करने जा रहे हैं पंडित जी, जो कह रहे हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको सुनना चाहिए आपको आखिर तक। वो ये है कि शनि देव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं साथियों, और ये 4 जून को, यानी कि 4 जून इसी वर्ष 2022 दिन होगा शनिवार का, और तिथि होगी पंचमी की रात्रि 3:12 पर ये वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब होता है अब ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 जून से। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, हालांकि हमारे बहुत से विद्वान जो हैं उनका तो ये मानना है कि वक्री ग्रह जो होता है शुभ परिणाम देता है, लेकिन हमने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किए हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वक्री स्थिति में जब ग्रह होता है तो उसके परिणाम उतने अच्छे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और यदि आपके कुंडली में भी साथियों शनिदेव वक्री स्थिति में है, और अब ट्रांजिट आसमान में भी, जैसा मैं कह चुका हूँ कि 4 जून 2022 दिन शनिवार को ये रात्रि 3:12 पर वक्री हो जाएंगे, यानी रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो आप जरा थोड़ी सी बात को इतना ऐसे समझ लें इसको, वक्री स्थिति को, कि जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अगर कोई भाग रहा है, रेस लगा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा तेज दौड़ पाएगा, या फिर अगर वो रिवर्स में दौड़ रहा है पीछे को, तो उसकी स्पीड अधिक रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जितना हम आगे की ओर दौड़ सकते हैं तेजी के साथ, उतना अगर हम पीछे को दौड़ेंगे, आगे को मुँह रख करके, तो हम नहीं दौड़ पाएंगे इतनी तेज़ी से। सेम यही स्थिति ग्रहों की है। अब ग्रह जो है ये उल्टी चाल चलना आरंभ हो जाएंगे 4 जून से, और ये कहाँ कब जा कर के सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे, ये करेंगे 23 अक्टूबर 2022 को जाकर के। ये रविवार के दिन तिथि होगी त्रयोदशी, उस दिन प्रातः 9:38 पर ये डायरेक्ट होंगे, यानी कि मार्गी होंगे, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। इस बीच में इनका राशि परिवर्तन भी होगा, यानी कि 12 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी ही स्वयं की राशि मकर में जाएंगे। तो जब ये मकर राशि में जाएंगे, वक्री स्थिति में ही जाएंगे, तो हम उस राशि के लिए अलग से वीडियो आपको बताएंगे। 12 जुलाई से जब ये मकर राशि में आएंगे, वो उस पर वीडियो हम आपके लिए अलग लेकर के आएंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो करेंगे क्योंकि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं शनिदेव, और कुंभ राशि में ये वक्री होने जा रहे हैं 4 जून से। तो 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक के बीच का जो समय है, ये कुंभ राशि में ही रहेगा इनका वक्री स्थिति का। उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आप 12 राशियों के जातकों पर, किस प्रकार के, ये बात सुनने वाली है। और विशेष रूप से जिन राशियों के जातकों की ढैया चल रही है या फिर शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए क्या उपाय रहेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो आप सुनते रहिए प्रोग्राम। आरंभ करेंगे मेष राशि, यानी के एरीज असेंडेंट जो लोग हैं उनसे, और बता दें आपको कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित हम कार्यक्रम दे रहे हैं, चंद्र राशि पर आधारित ये कार्यक्रम नहीं है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा, एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनकी बात करेंगे पहले, कि शनि देव जब 4 तारीख से 4 जून से वक्री हो जाएंगे, तो ये आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं आपके जीवन में। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ कि शनि देव जो हैं वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, कुंभ राशि में ही चल रहे हैं आजकल शनिदेव। अपनी राशि है, अपनी राशि के स्वामी है ये, उसी अपने ही घर में बैठे हैं, और यहाँ पर ये वक्री हो जाएंगे। तो आप मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न राशि के, अभी तक जो आपकी धन की स्थिति अच्छी बनी हुई थी, यानी कि धन का जो आगमन था वो हो पा रहा था, और इसी के साथ साथ मित्रों का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त कर पा रहे थे आप अपने, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी प्यार और सहयोग आपको प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब जब 4 जून से ये वक्री हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको धन के आगमन में भी रुकावट थोड़ी बहुत जरूर रहेगी, या धन में कमी रहेगी आगमन में।
आपके मित्रों के सहयोग में भी आपको कमी का एहसास होगा, भाई बहन जो हैं बड़े उनकी ओर से भी कुछ आप महसूस करेंगे कि उनके प्यार में उनके सहयोग में भी कमी है। और दूसरी बात आपको बता दें, छात्रों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है 23 अक्टूबर तक, 4 जून से, अगर वो अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन को लेकर के गंभीर नहीं हुए तो उनके लिए समस्या बन सकती है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार की जो है वो शनिदेव के वक्री होने के बाद आपको परिणाम मिलने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे वृषभ लगन, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं, तो साथियों आपके चार्ट में जो शनिदेव हैं वो बैठे हैं कहाँ पर, दशम भाव में, 10th हाउस में, जो आपके करियर का घर है। शनिदेव बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं आपके जहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, लेकिन और बड़े अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार कर रहे हैं आप या रोजगार। लेकिन जब ये 4 जून से वक्री हो जाएंगे 23 अक्टूबर तक, तो क्या होगा कि जो आपके कार्य बहुत तीव्र गति से या बड़ी अच्छी स्पीड से आगे चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं गति में अवरोध पैदा होगा, थोड़ी कमी आएगी। यानी कि काम तो बनेंगे लेकिन अब थोड़ा स्लो स्पीड से बनेंगे, अब आपको उसमें थोड़ा सा एफर्ट अधिक लगाना पड़ेगा। जो थोड़े से एफर्ट में काम जल्दी बन रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से बन रहे थे, वो अब उसमें थोड़ा आपको एफर्ट अधिक डालना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की कमी का एहसास आपको बना रहेगा 23 अक्टूबर तक, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, मातृ पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की संभावना ना के बराबर है, और आपका कुछ लंबी यात्राएं अगर करनी पड़ सकती हैं तो उन पर आपका धन कुछ अधिक खर्च हो जाएगा। अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव ट्रैवल रहेगा, जर्नी रहेगी, ये भी आपके साथ रहने वाली है समस्या। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपके जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ा तनाव बनने की संभावना है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में थोड़ा सा वैवाहिक सुख जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनि जो हैं वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, अपनी राशि कुंभ में, अपने ही घर में। लेकिन 4 जून से जब ये वक्री होंगे और 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे इस वर्ष, तो क्या होगा, थोड़ा भाग्य का जो सहयोग आपको अभी बराबर मिल रहा था पूर्ण रूप से, शनि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 4 जून से इनके सपोर्ट में थोड़ी कमी रहेगी। यानी कि जो भी आपके द्वारा किए जा रहे काम हैं, जहाँ पर भी आपने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं, उन कार्यों को जो जल्दी से या टाइमली जिस हिसाब से हो जाना चाहिए था, वहाँ पर अब देरी की संभावना बनेगी। काम तो पूरे होंगे लेकिन वो टाइम लेंगे, उनमें समय रहेगा। आप थोड़ा धीमी गति से आप, क्योंकि अब भाग्य का जो साथ है अब वो उतने तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी, और आलस्य भी आप में बराबर रहेगा, आलसी स्वभाव आपका बना रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वो भी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी और खर्चीली भी होंगी। और अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं, हेल्थ को लेकर के लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं मिथुन लग्न राशि के जातक, उनके भी पढ़ाई में जो अभी तक अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त हो रहे थे, उन रिजल्ट्स में भी थोड़ा बहुत कमी होने के संकेत हैं। आगे बात करेंगे कर्क लग्न राशि की, जो कैंसर असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में शनि जो बैठे हैं 8th हाउस में बैठे हैं अपनी कुंभ राशि में, ये अपनी राशि है, अपने घर में बैठे हैं। और प्रिय साथियों, यहाँ पर ये जब बैठे हैं तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी जो जीवन साथी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको शारीरिक समस्याएं पैदा करेंगे ये, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, समय पर उनका चेकअप वगैरह कराएं, मेडिकल चेकअप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर छोट मोट भी कोई
इशू बनता है हेल्थ को लेके, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर की एडवाइस लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका जो कारोबार है, रोज़गार है, वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मुश्किलें वहाँ भी पेश आएंगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी। तो ये शनि जो हैं इस प्रकार की चीज़ें आपको देने वाले हैं। और जो धन आपका जुड़ा हुआ है, सेविंग जो आपने कर रखी है, वो कहीं प्रभावित ना हो जाए, कहीं वो आपको, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि पैसा अपना बहुत सोच समझ करके विड्रॉ करें जहाँ भी आपने लगाया हुआ है। शनि देव तो चाहेंगे कि आप वो पैसा निकाल करके कहीं इधर उधर कर दें, खर्च कर दें, मतलब इनकी तो यही इच्छा रहेगी। और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका जो तालमेल है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, उसमें भी कमी रहेगी। आगे बात करेंगे सिंह लगन के जो जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं, उनका कैसा रहेगा। तो आपके चार्ट में जो शनि है वो सेवेंथ हाउस में बैठे हैं अपनी कुंभ राशि में, अपने ही घर में हैं ये तो। लेकिन जब ये वक्री हो जाएंगे 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि संबंधों में कड़वाहट ना पैदा हो, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा ना हो। आप कुछ कह दें उस बात का तिल का पहाड़ बन जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि इसी बात की संभावना बनेगी 4 जून से कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो कहीं ना कहीं उसमें समस्या। तो ये चीज़ आपको रहना। और जो जिनका जो अनमैरिड हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, अगर उनकी कहीं बातचीत चल रही थी तो वो भी डिले होने के पूरे पूरे आसार हैं। अभी फाइनल होने में अभी टाइम, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे तो यहाँ पर ये स्थिति बनने वाली है। सुख सुविधाओं की भी कमी आपको रहेगी, मतलब सुख सुविधाएँ पूरी तरह से रहेंगी लेकिन आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, उनकी कमी का एहसास आपको रहेगा। और भाग्य का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण रूप से कहा है मैंने, आंशिक रूप से ही मिलेगा। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं शनि छठे भाव में है, यानी कि सिक्स हाउस में अपनी कुंभ राशि में। ये क्या करेंगे यहाँ बैठ करके आप कन्या लगन के जातकों के लिए, देखिए स्वास्थ्य आपका अच्छा था लेकिन 4 जून से उसमें थोड़ी बहुत कमी बनेगी 23 अक्टूबर तक, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के शांत रहें, मतलब थोड़ा कॉशियस रहें, सावधान रहें। जो आपके शत्रु अभी तक आपके सामने नहीं, आपका सामना नहीं कर पा रहे थे या आपके सामने आ नहीं रहे थे या उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, अब वो थोड़ा बहुत सर उठा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी स्थिति बन रही है। तो इसलिए, और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं बड़े, वे भी कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के खफा हो सकते हैं। और दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो भी जो करेंगे उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा आपको, और वो उन पर धन का भी अच्छा खासा खर्च आपका होगा। छोटी मोटी यात्राओं में हो चाहे बड़ी यात्रा हो, आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी। छोटे भाई बहनों का साथ आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव भी बन सकता है। तो ये कन्या लगन के जो जातक हैं उनके परिणाम जो शनि देव के वक्री होने के बाद प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है, उसकी बात हमने आपसे की है। तो अब करेंगे प्रिय साथियों, आप जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए ये शनि देव जो हैं आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में, अपनी राशि कुंभ में है लेकिन 4 जून से जैसा मैंने कहा वक्री होंगे, 23 अक्टूबर तक रहेंगे ये वक्री। तो साथियों, सबसे पहली बात जो अभी तक छात्रों को अपने शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम शनिदेव दिलवा रहे थे उनके अनुकूल, जिससे वो काफ़ी प्रसन्न भी थे छात्र लोग, अब उन परिणामों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारा आपको ये आग्रह है
कि आप अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लें और अधिक प्रयास करें ताकि वो रिजल्ट जिनमें कमी की बात हम कर रहे हैं अब, वो कमी ना आने पाए। दूसरा, जो आप अगर आप कहीं कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, व्यापार या रोजगार, तो वहाँ से जो आपकी इनकम है उसमें भी कुछ रुकावट या बाधाएं या उसमें कुछ कमी, इनकम से रिलेटेड समस्याएं भी आपको बनेंगी। साथ ही आप अपने मित्रों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, मित्रों के साथ कोई अपने दिल की बात शेयर ना करें, चाहे आपका कितना ही परम मित्र क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मित्रों की ओर से सहयोग आपको नहीं मिलेगा और बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको सहयोग में, उनके प्यार में कमी का एहसास होगा। और जो आपने धन अपना जमा किया हुआ है, जो आपने सेविंग्स की हुई है, वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होती दिख रही हैं। यानी कि किसी कोई ऐसा कारण बन जाए कि आप वो धन विड्रॉ कर लें और वो फिर ऐसी इधर उधर खर्च हो जाएगा, तो शनि देव ये भी चाहते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि किसी भी हालत में अपना जो जमा किया हुआ पूंजी है वो उसको टच ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा बहुत आपके मतभेद बनेंगे, तो ये स्थिति रहने वाली है। और वैवाहिक संबंधों में भी, यानी कि वैवाहिक सुखों में भी ये कमी करेंगे, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में शनि देव फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और अपनी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में, अपने घर में हैं। यूँ तो अभी तक तो इनके अच्छे परिणाम थे, लेकिन अब ये वक्री होने जा रहे हैं 4 जून से, तो देखिए निश्चित रूप से आपकी सुख सुविधाओं में आप अच्छी तरह भली भांति कमी का एहसास आप करेंगे, ये अनुभव आपको होने वाला है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप इतने, आपका जो शेड्यूल है दिन का, वो इतने टाइट शेड्यूल हो जाएंगे आपके कि आप उसमें इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे कि आप सोचेंगे मुझे आराम मिल ही नहीं रहा, मैं कब आराम करूं? कुछ अपने जो टाइट शेड्यूल हैं या जो बिजी शेड्यूल है उसमें से मैं टाइम कैसे निकालूं ताकि मैं अपने आप को आराम दे सकूं? ये समस्या आपके साथ बनेगी 4 जून के बाद। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से आपसे कहेंगे कि जहाँ तक भी हो शरीर को जरूर आराम दें, अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। और माता की ओर से भी थोड़ा सा उनके स्नेह में आपको कमी का एहसास होगा, या ये भी हो सकता है कि आप के अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाएं, अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं, ये स्थिति आपकी रहेगी। और अगर आप देखिए कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आपका लीगल प्रोसीडिंग्स है, वो भी बहुत ध्यानपूर्वक करें, वहाँ पर भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु भी कोशिश करेंगे आपका काम बिगाड़ने की, हालांकि वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी बहुत टेंशन जरूर कर देंगे, ये स्थिति आपकी रहेगी। और आप थोड़ा सा चिंतित भी रहेंगे, वरीड रहेंगे, तो ये इस तरीके की जो है स्थिति बनेगी 4 जून के बाद। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को, आगे बात करेंगे धनु लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि शनि जो है वो थर्ड हाउस में बैठे हैं आपके, अपनी राशि कुंभ में। यहाँ पर बैठना अच्छा है, आपको अब तक ये अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि 4 जून से, जैसा मैंने कहा, कि वक्री हो जाएंगे, 23 अक्टूबर तक रहेंगे, तो क्या होगा कि ये इस प्रकार के परिणाम जो दे रहे हैं, अभी जो अच्छे परिणाम आपको मिल पा रहे थे, उनमें कमी आएगी। और वो ये आएगी कि एक तो आप जो भी यात्राएं करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि उसमें आपको आपका धन का खर्च अधिक होगा, उसमें परेशानियां अधिक रहेंगी, मतलब यात्रा आपके लिए थोड़ा सा दौड़ भाग वाली रह सकती है। वो ये नहीं कहा जा सकता उस यात्रा को करने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल जर्नी रही मेरी, इसका मुझे बड़ा लाभ मिलेगा या मिला है। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी, छोटे भाई बहनों के सहयोग और प्यार में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर बनेगी।
और दूसरी बात, जो छात्र लोग हैं उनके भी परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है शिक्षा से रिलेटेड, तो वो भी सावधान रहें, सचेत रहें, उनको भी यहाँ पर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, अपने अधिक उनको फोकस करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन पे बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा, होगा पड़ेगा। और जो जातक अपना जॉब में है या कहीं बिजनेस में है, वे भी जो भी डिसीजन लें अकेले अपने दम पर डिसीजन ना लें, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कुछ और अच्छे जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लें। अगर आपने अपने बेस पर डिसीजन लिया वो आपके लिए दुखदायी हो जाएगा, परेशानी का कारण बन जाएगा, और भाग्य का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। धनु लग्न राशि के जातक जो हैं, भाग्य में थोड़ी बहुत कमी जरूर उसका अनुभव आप करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी 4 जून के बाद आप धनु लग्न राशि के जातकों के जीवन में। ये हैं शनि से मिलने वाले प्रभाव। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं कि जिनके ऊपर ढैया चल रही है। तो एक तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं अगर वहां पर 8 लिखा है तो आपके ऊपर शनि की ढैया है। अगर आपकी चंद्रमा जहां धनु राशि में अगर बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो क्या होगा, आपके ऊपर ना तो कोई ढैया है ना कोई 7.5 है। फिलहाल होगी आरंभ 7.5, ये होगी 12 जुलाई से। तो अब बात करेंगे मकर लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक है। तो आपके चार्ट में जो शनि देव बैठे हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हैं अपनी कुंभ राशि में, और 12 जुलाई तक ये यहाँ रहेंगे और 4 जून से ये वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, अगर पहली बात तो मैं, आप मकर लग्न राशि की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा अगर 10 नंबर जहाँ लिखा है, जिस घर में भी कहीं पर भी किसी भी घर में अगर 10 नंबर लिखा है और वहीं उसी जगह चंद्रमा बैठे हैं, 10 की गिनती जहाँ पर लिखी है, तो समझ लीजिए कि आपकी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है मकर राशि के जो जातक हैं। तो मैं आपको बता दूं, शनि की 7.5 का प्रभाव भी रहेगा, पूर्ण रूप से बना हुआ है, तो आपको तो और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके देखिए धन का जो जुड़ा हुआ पैसा है वो भी कहीं ना कहीं निकल सकता है किसी ना किसी रूप में, तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि जो आपने इतने मुश्किल से पैसा कमाता है व्यक्ति और फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करता है या सेव करता है और वो एकदम ऐसे ही निकल करके किसी बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पस के वो पैसा निकल जाए, निकल करके कहीं ऐसी वैसी जगह उड़ जाए या खर्च हो जाए, तो फिर उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। और यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है आप मकर लग्न राशि के जातकों के जीवन में शनि देव जब 4 जून से ये वक्री होंगे। ये तो एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये भी है कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ थोड़े से इश्यूज बनेंगे आपके, कि आपस में सहमति नहीं बन पाएगी एक दूसरे के साथ, किसी ना किसी इशू को लेकर के आपकी ओपिनियन जो है वो डिफर करेगी, उनकी ओपिनियन आपके साथ, आपकी उनके साथ, ये भी स्थिति बनेगी। घर के बुजुर्ग जो हैं, हेड जो हैं, उनके आशीर्वाद में, उनके स्नेह में, उनके प्यार में भी आपको कमी का एहसास होगा। और जो आपकी इनकम है, आय है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ या तो उसमें कमी या रुकावट या बाधा आपको फेस करनी पड़ेगी, ऐसी भी परिस्थितियाँ बनेंगी। तो शनि देव 4 जून के बाद जो हैं और सुख सुविधाओं में भी आपके कमी ये करने वाले हैं, होते हुए भी उनका लाभ ना ले पाए व्यक्ति, तो ये फिर यही शनि देव का प्रभाव है। तो प्रिय साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें, बहुत अधिक ध्यान रखिए, हेल्थ को लेकर के समस्या बन सकती है। और आप बराबर या तो जिम ज्वाइन करें या एक्सरसाइज करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको जैसे भी सूट कर, मतलब अपनी फिजिकल फिटनेस का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा आपकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है।
आगे बात करेंगे कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं। तो मैं कुंभ लग्न राशि की बात चल रही है तो मैं आप जातकों को बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ पर 11 लिखा हुआ है जिस घर में अगर वहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो ये मान के चलें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। अब क्योंकि यहाँ पर कुंभ लग्न की बात चल रही है, कुंभ लग्न राशि की बात चल रही है, तो शनि आपके लगन भाव में ही बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे ही हो तो, और बड़ा अच्छा राजयोग बना रहे हैं, बहुत सुंदर राजयोग। लेकिन जो राजयोग से मिलने वाले परिणाम हैं उनमें कमी आएगी 4 जून से, जब ये वक्री होंगे। वैवाहिक सुख प्रभावित हो सकते हैं, उनमें कमी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने कहा कि वैवाहिक सुखों में कमी, उसमें का कारण भी कहीं ना कहीं आपका रोल कुछ अधिक रहता हुए दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा व्यवहार करें जीवन साथी के साथ, कुछ ऐसा बोल दें ताकि घर में वातावरण खराब हो जाए, आपस में आप एक दूसरे के साथ तनाव पैदा हो जाए आपके बीच। एक तो ये स्थिति रहने वाली है, और दूसरी बात यह है कि कारोबार में भी आपकी धीमी गति से चलेगा कारोबार। जो अभी तक कारोबार थोड़ा सही लाइन पे था, ट्रैक पे था, या रोजगार को लेकर के अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, उसमें भी ब्रेक लगेगा, थोड़ा सा स्पीड स्लो होगी, मंद गति से, धीमी गति से आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और एक अपनी जो सोच है वो बिल्कुल ऐसी रखें कि हो सकता है कि आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, तो थोड़ा टेंशन तो मैं तो आप जरूर रहेंगे, लेकिन वो टेंशन घर पे लेकर के ना आए, ये कोशिश रहनी चाहिए। और आप इस दौरान 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा आपका स्वभाव भी आलसी स्वभाव बना रहेगा, लेजीनेस, आज कोई काम करना है कल देखी जाएगी, 2 दिन बाद देख लेंगे, उस दिन छुट्टी है उस दिन देख लेंगे, ऐसे टाल मटोल, तो काम करने से भी पीछे हटेंगे, तो ये भी आपके साथ एक समस्या रहेगी। तो इस प्रकार के परिणाम आएंगे। मैं आपको शनि की 7.5 जिनके ऊपर चल रही है वो तो मैंने बता रहा हूँ, और ढैया आखिर में, अंत में जब ये मैं समाप्त करूँगा तो मैं शनि से संबंधित आपको दूंगा उपाय जो आप आसानी से कर सकें। आगे बात करेंगे जो मीन लग्न राशि के जातक हैं अंत में उनके विषय में, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में शनि द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में बैठे हैं, हालांकि अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि कुंभ में बैठे हैं, लेकिन 4 जून से वक्री हो रहे हैं। प्रिय साथियों, ये जो शनि यहाँ बैठे हैं ये 4 जून से वक्री हो रहे हैं, 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो एक तो आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, तो बहुत सूझबूझ और बहुत सावधानी के साथ चीज़ों को आपने देखना है, समझना है, हल करना है, क्योंकि यहाँ चीज़ें जो हैं वो आपके विपरीत होती दिखाई दे रही हैं। एक एक कदम आपने बहुत फूंक फूंक करके रखना है, वरना शत्रु पक्ष इसका लाभ ले जाएगा और आप कहीं ना कहीं लूजर हो जाएंगे। ये शनिदेव जो है कुछ इस प्रकार की प्रभाव आपको देने वाले हैं। और हेल्थ, मैं कह रहा हूँ हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको साथियों, हेल्थ आपकी प्रभावित जरूर होगी, इसलिए अपने खान पीन का, हर तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा मीन लग्न राशि के जातक। और अपना जो धन है, जो आपने जोड़ा हुआ पैसा है, वो कहीं व्यर्थ में खर्च ना हो जाए आप ही के द्वारा, इस बात का भी ध्यान रखें। ये भी शनिदेव का ऐसा भी कुछ प्रभाव आपको अनुभव ऐसा हो सकता है, उनके द्वारा कराया जा सकता है वो, और पारिवारिक मतभेद भी होने की संभावना बन रही है, थोड़ा बहुत भाग्य में भी कमी रहेगी। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें अभी तक आपको थोड़ा पॉजिटिविटी में चल रही थी, अब उसमें थोड़ा निगेटिविटी आएगी, और किन किन क्षेत्रों में आएगी इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था आपका मेष लग्न राशि से लेकर के मीन लग्न राशि तक के जातकों के ऊपर पड़ने वाला
शनि देव के वक्री होने के बाद का प्रभाव। और जैसा मैंने कहा आरंभ में कि ये 12 जुलाई को अपनी राशि भी परिवर्तन करेंगे, वो भी अपनी राशि में ही जाएंगे वहाँ मकर में, तो उसके लिए वीडियो उस वहाँ जाकर के ये क्या प्रभाव देंगे वो उसके लिए वीडियो हमारा अलग से आएगा, तो आप देखें। अब हम आपको जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, आप ऐसा तो देखिए अब तो शनिदेव के उपाय हैं, जो भी उपाय हैं सब आसानी से जानते हैं, लोगों को बहुत ज्ञान हो चुका है इसके विषय में, फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ एक बार बताना, क्योंकि शनिदेव को लेकर के है प्रोग्राम। देखिए अगर आपके ऊपर शनिदेव की ढैया या 7.5 चल रही है, देखने का तरीका हमने आपको बता दिया है कैसे देखना है अपनी कुंडली में, तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि किसी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, किसी की बददुआएं ना लें, जाने और अनजाने आपसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए कि किसी गरीब के आत्मा से आपके लिए बददुआएं निकलें। आप गरीबों की मदद करें, अगर किसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आप इस मतलब कैपेबल हैं सब ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करें, थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा करें, किसी गरीब को ना सताएं। और जितनी गरीब की मदद करेंगे ये सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव का, शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर ऐसा आप किसी भी गरीब की मदद करेंगे तो। आप कोई कितना ही दान कर लें, कहीं जा करके कितनी पूजा पाठ कर लें, वो भी बताऊंगा मैं यूँ तो, लेकिन जितना बड़ा फल और शुभ फल गरीब व्यक्ति की सेवा करने से मिलता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इतना और किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर कोई गरीब है उसके पाँव में जूता नहीं है, उसको जूता दिलवा दो, जूता खरीदवा दो, चल भाई तुझे जूता खरीदवाते हैं, उसको भोजन करवाओ अगर भूखा है तो। ये ऐसे काम आप करें नंबर एक, और किसी का पैसा ना मारें, किसी गरीब आदमी का, ये सबसे बड़ा पाप का काम कर रहे हैं आप अगर किसी गरीब व्यक्ति का पैसा मार रहे हैं झूठ बोल करके, कैसे भी उससे पैसा लेना, ये सब शनि महाराज देख रहे होते हैं और उसका कहीं ना कहीं दंड आपको किसी ना किसी रूप में वो जरूर दे देंगे। अब दूसरी बात ये आती है, ये तो पहला उपाय है, दूसरा उपाय फिर ये है कि आप शनि महाराज के मंदिर जाएं संध्या समय, आफ्टर सनसेट, वहाँ जा करके बैठ करके शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिदेव के बहुत मंत्र हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै देव नमः, ये बहुत मंत्र हैं, और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे सूट करें, और शनि का दान करें, जो भी शनि से संबंधित चीज़, आजकल तो शनि मंदिर के बाहर ही सब कुछ उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, वहीं से खरीद करके दान करें। शनि मंदिर अगर दूर है तो पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, वहाँ जा करके काले तिल, काली उड़द की दाल और चढ़ाएं, और थोड़ा थोड़ा और जल चढ़ाएं संध्या के बाद, और एक परिक्रमा कर लें और शनि देव के मंत्रों का जाप कर लें वहाँ बैठ करके, या शनि चालीसा का पाठ कर लें। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं, शनिवार के दिन ही करने होते हैं, आप करिए देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था शनि देव को लेकर के, शनि देव जो वक्री हो रहे हैं 4 जून से, उनके वक्री होने के बाद जो कि 23 अक्टूबर तक रहेंगे इस वर्ष, किस किस प्रकार के प्रभाव, किस किस क्षेत्र में, आप 12 लग्न राशि के जो जातक हैं उनको देखने में आ सकते हैं, वो हमने उनकी चर्चा की है डिटेल में, और आपको अंत में हमने उपाय भी बताए हैं जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है उनको क्या करना चाहिए। इसी के साथ अब आपसे हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दूसरे जो साथी हैं या जो अभी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके सोशल सर्किल के लोग हैं वो भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बन रही हैं अलग अलग कार्यक्रमों पर वो आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।